कोशिश हो गई फिश पकड़ने की। हाँ साहब मछली आई हूँ। यार एक्सप्रेशन चेक करो। आ गई है बड़ी खींच। कितने जोर दिए भाई ने। देखने के बाद दुआ करते हैं। एक मिनट मैं एकदम से यहाँ कैसे पहुंच गया। चलो रिवाइंड करके देखते हैं। मॉर्निंग जी, डे 4। वी आर ऑन वे टू मिनीमर्ग। आज थोड़े लेट हो गए हैं, 8 बज चुके हैं। तो देखें 6 से 7 घंटे का ट्रैवल है आने जाने का। सेम डे में वापस आना है। तो प्लान था मेरा देवसा ही जाने का, कवर करके कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं जा पाएंगे। बहरहाल ये रास्ता मिनीमर्ग को स्टार्ट होता है। ये हमारी जीप पीछे ज़रा टायर उसका पंचर हो गया, तो उसी के लिए रुके हुए। अरे भी हम कहाँ पर जा रहे हैं? इनसे ना बार बार पूछना पड़ता है कि हम कहाँ पे जाते हैं। यादाश्त कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, ये पहले ठीक होते हैं, रोटी खाने के बाद उन्होंने कुछ हो जाता है सारे। मारखोर भी अभी हमने पीछे अमार खोर के सींग देखे। वो ना पीछे पंजाब रेजिमेंट के दौर के ऊपर कुछ सींग लगे हुए थे, तो उन्होंने सपने में बताया। वो सब सब किसके सींग थे? वो हम इनका ख्याल है कि मुंजा भी जाएंगे, लेकिन चले हम इसको क्रॉस करने फिर आगे। बड़ा माजुक हुआ हूँ क्योंकि वीडियोस टोटली जो हैं इस डॉक्यूमेंट्री में सारी की सारी बड़ी शेकी हैं, क्योंकि ट्रैक जो था वो सारा जीप ट्रैक था। फिर जीप पे आपको पता कि किस किस्म का रास्ता होता है, ज़रा झटके ऐसे के लगते हैं कि कहाँ से हम वीडियो को स्टेबल करते फिर। और उसके अलावा कोई गिम्बल वगैरह तो है नहीं अपने पास, तो ये सारा लोकल इक्विपमेंट मतलब कि मोबाइल के ऊपर ही शूट हुआ है। तो दोबारा से माफ़ी। Oh yeah. Look at the scenery. Over top. Wow. No, you won't get अब हम पहुंच गए हैं जी बुर्जुल टॉप पे। ये इसका एलिवेशन है 14,000 फुट और ये सारा महाज है। यहाँ पे टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, जो बर्फ़ वाला हाल है ये माइनस में चल रहता है। हमारे फौजी भाइयों को सलाम जी, जो यहाँ इस बुलंदी पे रह के हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा महाज है। पहली बार दिखाई थी कि सारी
are at on the way to Minimark. ये बुर्ज पास से भी नीचे आ गए, पीछे वो वहाँ पे बुर्ज टॉप है, अगर कैमरा कैप्चर कर पाए आप व्यू देखें। ये जो सामने वाला एरिया है, ये जो चेक पोस्ट बनी है इसके पीछे से सारा, ये सारा रास्ता कारगिल की तरफ जाता है। एक कच्चा रोड है उधर जाता है, जीप ट्रैक है, लेकिन सिविलियंस को वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं और उन्हीं की सारी चहल कर रही है। वो जो टॉप है, इफ आई कैन ज़ूम इन, ये बुर्ज पास है, आई मीन बुर्ज टॉप है। तो ये कुछ होगा, अभी हमने इस तरफ जाना है, पीछे जीप है पीछे, और वो हमारे सारे चीते। ऑलराइट, ये हम बुर्जुल टॉप से नीचे मिनीमर्ग की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता ज़रा और ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन आगे जाके बर्फ़ वगैरह ख़त्म हो जाएगी, बट ग्रीनरी आप देखिएगा कैसी एंटर होती है। तो जनाब हम एंटर हो रहे हैं मिनीमर्ग में। हमें तकरीबन चिल्लम चौकी से मिनीमर्ग पहुंचते हुए 4 से 5 घंटे लगे थे, और अब इलाका बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है हर तरफ। ये सारा एरिया आर्मी के अंडर है। मिनीमर्ग यहाँ पे एक गांव है छोटा सा, और एक दो गांव आगे इसके और आते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके 2 मील आता है, वो बड़ी खूबसूरत जगह है। और फर्दर मोर यहाँ पे आपको जनाब 2-3 लेक्स देखने को मिलती हैं, रेनबो लेक है, क्रिस्टल लेक है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग लेक नहीं देख पाए इस टूर पे, क्योंकि वहाँ पे कोई जनाब हमारी आर्मी की पार्टी वगैरह चल रही थी। मैं तो उसको खैर कॉन्फ्रेंस को पार्टी कहूँगा कि वो उन्होंने सब कुछ बुक किया हुआ था। हमें कोई 2-3 घंटे वेट करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आज सिविलियंस के लिए अलाउ नहीं है लेक्स वगैरह पे। खैर बैटर अप नेक्स्ट टाइम। लेकिन जो मिनीमर्ग का इलाका देखा, जितना देखा, पाकिस्तान जी बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको क्या बताऊँ कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसकी जो बैक साइड है, ये सारा इलाका आगे से फिर कश्मीर को लगता है। आपका ताओबाद नीलम वैली है, यहाँ से रास्ता है ट्रैकिंग के ज़रिए, आप ताओबाद में भी निकलते हैं मिनीमर्ग से जाके। चलें, बाकी आप इसकी सीनरी इंजॉय करें। अब एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करता जाऊँ, यहाँ पे सारे टूरिस्ट ऐसे ही अलाउ नहीं है, आपको एक NOC रिक्वायर्ड होता है, या तो आपके पास कोई आर्मी का रेफरेंस होना चाहिए जो आपको NOC बना के दे दें, या अपनी कॉल वगैरह करा दें। खैर हमारे साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हुआ था कि हम यहाँ से एक आर्मी का रेफरेंस, हम डायरेक्ट चिल्लम चौकी गए थे, वहाँ जाके उनकी जो पोस्ट है उधर हमने उस रेफरेंस से फ़ोन करवा दिया था, जिस पर उन्होंने हमें 1 डे के लिए अलाउ कर दिया था कि आप जाएँ विज़िट करें और फिर उसके बाद वापस आ जाएँ।